ओके यस हाय एवरीवन गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वेलकम टू अन आदमी कैसे सब बच्चे दिखाई दे रहे सुनाई दे रहा है ये हाई एवरी हाउ आर यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा जी यस गाइस कैसे हैं ऑल वेल ऑल वेल बच्चों हाँ जी सबसे पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस हैप्पी धनतेरस टू एवरी वन आज का फेस्टिवल ऐसा है जिसमें यू नो इट इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड स्प्रेडिंग प्रोस्पैरिटी तो आई रियली विश यार सब लोग धनी हो जिस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं देखो वन ऑफ द पर्पज़ इज ऑलवेज मनी एंड आई रियली विश यार फाइनेंशियली एंड मॉरली स्पिरिचुअली सब लोग बंड के साथ इस दिवाली को क्रॉस करें तो आज से बेसिकली ऑफिशियली अगर हम देखें तो दिवाली की फेस्टिविटीज स्टार्ट होती है आज से स्टार्ट होती है ना है ना आज स्पेशली मम्मी कुछ ना कुछ लेने जाती है है ना एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी और द किचन आइटम्स और समथिंग लाइक दैट जस्ट टू डू द शगुन काइंड ऑफ थिंग है ना तो लेकिन आज से हलचल सी मच जाती है कि दिवाली स्टार्ट होने वाली है तो यार अब इस हलचल में नीट वाला बच्चा थोड़ा सा पिस जाता है कभी कह रहे हैं अच्छा यहाँ साथ चल मासी के घर ये डब्बा दे के आना है इसके घर ये दे के आना होता है है ना ऐसा कि और uh, uh, और पड़ोसी में 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 सबके जाना पड़ता ये ये अच्छी चीज़ भी है यार ये best best time जब हम आपस आपस मिलते हैं में बेटा एक्सचेंज करते हैं और हमें टाइम मिलता है आज की फास्ट जिंदगी में यही एक मौका है जिसमें हमें टाइम मिलता है एक दूसरे से बात करने का एंड बेटा एक दूसरे से मिलने जुलने का बट नीट वाला बच्चा थोड़ा सा में आ जाता है, है ना? इस समय उसको बड़ी खशमखश होती है कि मैं क्या करूं मैं करना तो चाहता हूं लेकिन ये दिवाली जैसे फेस्टिवल मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं मेरा बहुत मन है पढ़ने का लेकिन यार यहां पे गड़बड़ चलती है <laughs> है ना कभी कोई ये कह रहा है कभी कोई ये कह रहा है तो मेरा हंड्रेड परसेंट मन लग नहीं पा रहा है मैं कोशिश करके भी नहीं लगा पा रहा ऐसा होता है बेटा आपके साथ होता है या नहीं होता है यस yes. बेटा कह रहे हैं आपने क्या खरीदा बेटा मैंने कुछ नहीं खरीदा मुझे टाइम नहीं मिला जाने का और ना ही मिलेगा अभी मेरी यूट्यूब क्लास है इसके बाद मेरी प्लस क्लास है तो मेरे लिए मेरा काम ही पूजा है है ना लोग पूजा के तौर पे लेते हैं तो मेरे लिए तो बेटा मेरा काम ही पूजा है तो मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है सो यू नो सबके अपने अपने बिलीव है यस ठीक है yes. हाँ तो प्लांट फिजियोलॉजी बेटा अपने ने स्टार्ट किया है तो कितना समय लगेगा इसको खत्म करने में बेटा अभी तो शुरू हुई है अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का आज थर्ड लेक्चर है इसको थोड़ा समय दीजिए है ना इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग फोर्टी मार्क्स का ये पूरा यूनिट है ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि यार आज आए वन शॉट कराया बेटा मेरा भी मैं भी करा सकती हूँ तुम बोलो कल फोटोसिंथेसिस आज ही फोटोसिंथेसिस का वन शॉट कर लेते खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को कल मिनरल का फिर रेस्पिरेशन का फिर बेटा आपके आ, प्लांट ग्रोथ का तो दिवाली तक आते आते यानी कि भाई दूज तक तो अपनी पूरी प्लांट फिजअप खत्म हो जाएगी अगर तुम्हें ऐसे करना है ना तो तुम मेरे लिंक ट्री से जाकर वन शॉट कर लो बिकॉज मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर वन शॉट दिस इज अ टाइम फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स और ये जो कोर्स है ये फास्ट ट्रैक ही है इसमें हम ज्यादा स्लो भी नहीं चल रहे हैं और बिल्कुल वन शॉट की तरफ फास्ट भी नहीं चल रहे और ऐसा जरूरी है अगर तुम अभी वन शॉट लगाने शुरू कर दो कि बेटा सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अभी एक ऐसा कोर्स फॉलो करो जो कि फास्ट वे में सिलेबस कंप्लीट कराए वन शॉट कम्प्लीट कर एक डेढ़ महीना पहले किए जाते हैं बस चालीस दिन पैंतालीस दिन पहले का कोर्स होता है वो अभी नहीं कि पेपर में भी छह महीने पड़े और अभी से हम वन शॉट देखेंगे तो बेटा वन शॉट में बच्चा क्रैश कोर्स में करता है तुम अभी करोगे ना तुम अभी क्रैश ही हो जाओगे कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कोर्स आते आते क्रैश है ना? <laughs> तो जिसको कोर्स आते आते क्रैश हो जाना है वो यार अभी शुरू कर ले जिसको कोर्स में क्रैश नहीं होना है वो क्रैश कोर्स को अच्छे से समझना चाहता है जो कि फेब में होगा मार्च में होगा अप्रैल में होगा तो यार वो रुक जाए वो रुक जाए ठीक है जी यस चलिए ओके आई एम सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग सफर भी कर रहे हैं और किससे ओवर थिंकिंग से सफर कर रहे हैं भैया मैं अपनी बीमारी भी पता है तो इस बीमारी का इलाज भी पता है कि अगर मुझे प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की तो मुझे ओवर थिंक नहीं करना है यही इलाज है बेटा बीमारी का है ना मुझे क्या करना है ओवर थिंक नहीं करना है दिस इज़ द ओनली इलाज ऑफ दिस बीमारी राइट right, बेटा चलिए शुरू करें यस शुड वी स्टार्ट ओके बैजेला बेटा आप तो मेरे से आके प्लस क्लास में मिली है तब बोलिए कुछ आके प्लस क्लास में मिली है बेटा आज क्या होगा अच्छा आज बेटा फोटोसिंथेसिस का पार्ट थ्री है हमने अभी तक क्या-क्या कर लिया है हमने बेटा अगर हम बात करें तो वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट वन एंड पार्ट टू जिसमें हमने लाइट रिएक्शन पूरा कर लिया था क्या सबको लाइट रिएक्शन याद है उस लाइट रिएक्शन में बेटा हमने कल दो चीजें बनाई क्योंकि लाइट का काम ही होता है समान बनाना डार्क रिएक्शन के लिए देखो ये पूरा इतना बड़ा का इसीलिए कर रहे थे ताकि हम ग्लूकोज बना पाए ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए एक तो यार एनर्जी नामक करेंसी चाहिए यानी कि एटीपी चाहिए दूसरा मुझे एक रिड्यूसिंग पावर चाहिए दैट इज एनएडीपीएच अभी अब ये दोनों चीजें ATP और NADPH बनती कम है लाइट रिएक्शन पे बनती है जो कि कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट है मतलब तुम लाइट ऑफ कर दो वो रिएक्शन बंद हो जाएगी उसी समय बंद हो जाएगी तो लाइट रिएक्शन में ETS के द्वारा हमने पहला एसिमिलेटरी पावर का चीज बना लिया था दैट इज कॉल्ड एज NADPH कल बना लिया था क्या आपको आ, याद है मैं आपको दिखा दू बेटा कल हमने इस तरीके से पूरा ईटीएस किया था डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया था और एसी पावर में से भी एक ही चीज बनाई थी वो एक चीज क्या है बेटा वो एक चीज है आपकी एनएडीपीएच ये सारे काम हमने बना लिया था अब लेकिन डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे एसिमिलेटरी पावर का दूसरा हिस्सा भी तो बनाना है दूसरे हिस्से का क्या नाम बताया था दूसरे हिस्से का नाम बताया था एटीपी एनर्जी करेंसी बतानी है और मैंने आपको बेटा कल एक और चीज बताई थी क्या बताई थी बेटा कि यार जब अपने एन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनाएंगे ईटीएस से बनाएंगे जो हमने कल कर लिया लेकिन जब अपने एटीपी बनाएंगे तो हम किस प्रोसेस से बनाएंगे केमी ऑस्मोसिस से बनाएंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन से बनाएंगे यानी कि आज की क्लास में हम इस लाइट रिएक्शन का दूसरा हिस्सा करने वाले हैं हम इस लाइट रिएक्शन का वो पार्ट करने वाले हैं जिसमें देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यानी कि केमी ऑस्मोटिक सिंथिस याकि फोटोफॉस्फोराइजेशन हम आज करेंगे फिर बेटा अपने पास एन तो कल ही तैयार हो गए थे एटीपी हम आज तैयार कर लेंगे दोनों को यूज कर लेंगे अपने डार्क रिएक्शन के प्रोसेसिस में क्या सबको बैकग्राउंड क्लियर है क्या बेटा जी सबको बैकग्राउंड क्लियर है हाँ जी एक बार बता दो मैंने आपको कल का एक बार रिव्यू करा दिया है कि हमने क्या करना है यस yes, बता दीजिए क्या सब बच्चों को बैकग्राउंड क्लियर है एक और बेटा बड़ी न्यूज देनी थी आई होप आप ये न्यूज जानते हैं नहीं जानते तो यार अभी ले लो है ना दिवाली स्पेशल न्यूज है सब बच्चों को पता होना चाहिए देख लीजिए बेटा हां जी लेट मी जस्ट ओपन इट ओवर देर यस yes, दिख रहा है सबको तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा अन अकेडमी का दिवाली पर एक बहुत बड़ा ऑफर आ चुका है लेकिन वो आया है सिर्फ पहले 150 लर्नर्स के लिए किसके लिए आया है फर्स्ट 150 लर्नर्स के लिए 30 परसेंट ऑफ है फ्रॉम सीप पहुंच वैसे तो यार <laughs> रिक्वेस्ट मैंने बहुत किया था दे कंपनी रही है बट येस yes, बहुत मीटिंग्स आप जानते थे ना कल की क्लास इतनी डिले क्यों हुई ऐसा क्यों हो रहा है कुछ दिन से बिकॉज बेटा वी हैड प्लानिंग ये जो आप पीछे देखते हैं ना ये सब चीजें आ रही है अनलॉक आ रहा है ये सब आ रहा है इन सबके पीछे लगती है टीम इन सबके पीछे लगती है बातचीत इन सबके पीछे लगता है प्रोडक्ट ठीक है तो स्पेशली बेटा कल इतनी सारी डिस्कशन करके आज भी बेटा आई वॉज इन दैट डिस्कशन बट मैं वो अब कुछ बोलूंगी नहीं कि ऐसा क्यों हुआ बट बेटा वो इसी के लिए हुआ ताकि हम दिवाली पे तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे पाए जिससे जो बच्चे सोच रहे थे लेने का उनके लिए चीजें आसान हो जाए बस यही रीजन था बेटा आज की और कल की क्लास के टाइमिंग्स का इधर उधर होने का आई होप आपको ये चीज बेनिफिट करेगी अगर ये चीज किसी का बेनिफिट करती है ना तो चाहे मैं एक जगह पे थोड़ी सी गलत भी हो रही हूँ तो भी बेटा मैं एक्सेप्ट कर लूंगी वो बोलते हैं यार थोड़ा सा घूट पी लो तो मैंने वो घूट पी लिया बिकॉज मुझे पता है मुझे पता है कि हमारे प्लस बैचेस सबको फायदा करते हैं मुझे पता है कि यहां पर आपको वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं मुझे पता है कि जिन टीचर से पढ़ने तुम पहले दिल्ली कोटा जाते थे बेटा मैं भी उस भीड़ का पार्ट हूं मैंने भी वहां पर पढ़ाया है वही टीचर तुम्हें यहाँ अफोर्डेबल प्राइस में इस दिवाली ऑफर में मिलने वाले हैं ठीक तो है तो थर्टी ऑफ है ये स्पेशल कोड है बेटा यहाँ पे सीप लाइव नहीं लगेगा सीप लाइव लगाओगे तो थर्टी नहीं है सीप मैम ने नया कोड बनाया है ये लिख लेना यार डी 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 एल डी क्यू एम आई एट M8, I6. ठीक है वैसे तो लिंक मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया और डायरेक्टली लिंक पे जाओ 30 परसेंट ऑफ मिल जाएगा तो आज मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि बेटा ये सिर्फ 150 लर्नर्स के लिए और कहीं तुम ये क्लास आज से एक महीने बाद देखो बेटा 150 में से ऑलरेडी ऑलरेडी लेट मी टेल यू बहुत सारी सीट्स फिल हो चुकी है फिल हो चुकी है तो इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मान लीजिए दिवाली आने से पहले अगर ये डेढ़ बच्चों ने ले लिया इट विल बी डन है ना तभी खत्म हो जाएगा सो so, जो प्लान कर रहे हैं वो ले सकते हैं एनी anyway, तो अपने ने आज आगे बढ़ना है लाइट रिएक्शन के दूसरे हिस्से में एटीपी बनाना है और एटीपी बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है केमी ऑस्मोसिस। बना ले एटीपी। यस yes, बेटा बना ले। यस yes, बता दो नॉन साइक्लिक हाँ जी बेटा उसी में एटीएस था एक साइक्लिक किया था और एक हमने क्या किया था नॉन साइक्लिक किया था तो बेटा जो बच्चे रेडी हैं धनतेरस वाले दिन पढ़ाई करने के लिए तुम्हारी हर क्लास तो नहीं है वैसे आज बहुत सारी क्लासेस हैं बहुत सारी क्लासेस नहीं है लेकिन मेरी क्लास तो बेटा हो सकता है दिवाली वाले दिन भी हो परसों तो आओगे यार परसों बता दो है आ जाओगी अगर मैं बुलाऊंगी तो दोपहर में यस अगर किसी बच्चे ने मना किया अगर किसी बच्चे ने मना किया तो भैया जान ले वो, जान ले वो, आ जाएंगे बता दो यस अच्छा रहेगा यार अच्छा रहेगा तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो मैं ये कह रही थी जो जो बच्चे रेडी हैं, रेडी हैं आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए जिनको पिछला याद है फटाफट से सेशन को बेटा कर दीजिए लाइक केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आज अपने लोग करने वाले फटाफट से यार बिना देरी करे सेशन को कर दो लाइक मैं वेट कर रही हूं यस आई एम वेटिंग गाइस तभी आगे बढ़ेंगे ना यार धनतेरस का दिन और तुम तो ऐसे कंजूसियां कर रहे हो यस yes. जी बैकलॉग हो गया है तो बेटा आज एक वीडियो रिलीज किया है दिवाली के दिवाली में टॉपर्स क्या करते हैं दिवाली में टॉप करने के लिए यानी कि 650 प्लस पाने के लिए दिवाली में क्या करना पड़ेगा उसमें बेटा तुम्हारे बैकलॉग का आंसर है वो वीडियो आज जाकर जरूर देखिएगा जरूर 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 देखिएगा ओके यस जी चलिए शुरू करें Yes, so तो तो प्रोटोन कैरियर था दैट वॉज स्पीक्यू प्लास्टोनॉन प्लास्टोनॉन ने क्या किया था बाहर से यानी कि स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन लेकर ल्यूमेन ऑफ था भर दिए थे क्या आपको वो चीज याद आई मैं आपको दिखा भी देती हूँ बेटा कल हमने ये चीज यहां पर देख ली थी ये बेटा ऑरेंज वाला देखना ऑरेंज वाला देखना कल हमने इस चीज को देखा था कि यार जब ये ईटीएस चल रही होती है ये ईटीएस चल रही होती है तो ये प्लास्टो क्या करता है हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा में से लेकर ल्यूमेन की तरफ डालता है यानी कि इस प्लास्टो ने ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर क्या कर दिया था बढ़ा दिया था अगर ल्यूमेन के अंदर प्रोटोन का नंबर बढ़ जाएगा बाहर कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा ठीक है इस ग्रेडियंट को क्रिएट करने में क्या कोई एनर्जी लगी थी बिल्कुल लगी थी यार उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे जब ग्रेडियंट क्रिएट किया हमने ए में तब अपने ने एटीपी को यूज किया एनर्जी को यूज किया लेकिन यहां पर जो ग्रेडियंट पिछला क्रिएट हुआ उसको मुझे तोड़ना है प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करना है तोड़ना है अब तोड़ने में बेटा एनर्जी लगेगी नहीं एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी और जब बेटा ये एनर्जी रिलीज होगी तब हम बोलेंगे कि यार एटीपी बन गया केमी ऑस्मोसिस हो गई फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गई तो अब तक क्या याद करना है कि जब हमने एटीएस में ग्रेडियंट क्रिएट किया तब एटीपी यूज हुए अब केमी ऑस्मोसिस में मैं ग्रेडियंट को तोड़ूंगी तोड़ने में एटीपी यूज नहीं होंगे रादर ATP होंगे, रादर एटीपी एटीपी रिलीज रिलीज होंगे होंगे ठीक ठीक है है तो अभी हमने पिछली क्लास में क्या किया था कि प्रोटीन ग्रेडियंट ग्रेडियंट बनाया था ये प्रोटॉन प्रोटॉन है प्रोटौन ग्रेडियंट को बेटा सेट किया गया था कब ड्यूरिंग ईटीएस किया गया था कि नहीं किया गया था ईटीएस में हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट सेट किया स्ट्रोमा से लेकर ले सारे प्रोटॉन कोशिश की किस में डाल दिए ल्यूमन में डाल दिए सेट किया यानी कि इस टाइम पे हमने एटीपी को यूज किया बट ड्यूरिंग केमीओसमोसिस अब हम क्या कर रहे हैं केमी प्रोटॉन प्रोटोन ग्रेडियंट इज नॉट सेट बेटा Is down, तो पूछ सकती है क्या जब प्रोटोन ग्रेडियंट सेट होता है या फिर जब प्रोटोन ग्रेडियंट टूटता है तुम बोलोगे भैया जब प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है ना तब एटीपी नहीं निकलते जब प्रोटोन ग्रेडियंट को तुम तोड़ोगे जब प्रोटॉन ग्रेडियंट को बेटा जी तुम तोड़ोगे तब जाकर एटीपी रिलीज होंगे ठीक है जब तुमने प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ा उस समय बेटा एनर्जी रिलीज हुई रिलीज ऑफ एनर्जी और यह जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पीएमएफ पीएमएफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोटॉन एच प्लस प्रोटॉन मोटिव फोर्स ठीक है एनर्जी क्या हुई यहां पर रिलीज हुई और यही एनर्जी को यूज करेंगे टू सिंथेसाइज एटीपी है ना बेटा इसी को यूज करेंगे एटीपी बनाने में राइट right? अगर तुम्हें पुराना याद हो तो हम कहां तक पहुंच गए थे मान लीजिए बेटा ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ये थाइलेक्ड का क्या है ल्यूमेन बाहर क्या है बेटा स्ट्रोमा अभी तक हमें पुराना याद है कि जो प्लास्टो था और भी दो चीजें और है मैं भी थोड़ी देर में कराऊंगी उनकी वजह से अंदर जो है एच पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो गया था बढ़ गया था और बाहर जो प्रोटॉन है उनका कंसेंट्रेशन क्या था कम था तो भैया यही तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिया था हमने अच्छा अब एक बात बताओ अंदर जो प्रोटॉन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या अंदर की यानी कि ल्यूमन की पीएच ज्यादा है या कम है तुम्हारी बेसिक नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री टेस्ट कर ली जाए

कम होता है तो पीएच अंदर का क्या है लेस है तो लेस पीएच जब आएगा तभी हम मानेंगे कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्या हो चुका है क्रिएट हो चुका है ठीक है लेस पीएच आएगा तभी प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्या हो चुका है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है चलिए अब अपने ऑस्मोसिस करते हैं दोबारा से देखो ये तुम्हारा क्या है थाइलेक्ट की मेम्ब्रेन थाइलेक्ट की मेम्ब्रेन में ईटीएस चल रहा था जिसकी वजह से अंदर जो है एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन मोर है ठीक है बाहर जो है वो प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन क्या है लेस है ग्रेडियंट अपना रेडी है ये जो अंदर की खाली जगह है इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थाकॉइड ठीक है इसको क्या बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थाकॉइड बाहर क्या है बाहर है बेटा जी स्ट्रोमा ठीक है अब यार हमने इस ग्रेडियंट को तोड़ना है तोड़ने का जो काम है यानी कि तोड़ेंगे कैसे सिंपल सी बात है यार ये जो अंदर बैठे हैं एच पॉजिटिव इनको बाहर भेजो भेजेंगे कैसे बाहर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि आधा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है और आधा बाहर की तरफ बाहर क्या है बेटा जी स्ट्रोमा है बाहर क्या है बेटा जी स्ट्रोमा है अब वो प्रोटीनेशन स्ट्रक्चर क्या कहलाता कहला है वो कहलाता है अभी जो एफ नॉड एफ वन है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट है भैया तो क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं ना तो इनके आगे सी एफ नॉड और सी एफ वन अपने लोग लिखेंगे तो यार ये जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है ये है एफ नॉट पार्टिकल ये देखिए बेटा इसका क्या नाम है एफ नॉड सी एफ नॉड लिख दू क्योंकि नाम है सी एफ वन हुआ क्या ये एफ नॉट एफ वन पार्टिकल ही हुआ लेकिन क्लोरोप्लास्ट का एफ नॉट और क्लोरोप्लास्ट का एफ वन इनके पास मिलके क्या प्रेजेंट है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है इनको मिलके क्या बोलते हैं बेटा जी एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हाँ जी दोनों किससे बने हैं प्रोटीन से बने हैं ठीक है किससे बने हैं प्रोटीन से बने हैं भैया सी एफ नॉड एफ ना हुआ है तो कौन से प्रोटीन से बना होगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन से प्रोटीन से बना होगा इंट्रेंसिक प्रोटीन कौन से प्रोटीन से बना होगा इंटीग्रल प्रोटीन जबकि एफ को जरा तुम ध्यान से देखो एफ ही असली है जिसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है बट ये बाहर की साइड पे है स्ट्रोमा की साइड पे है तो भैया ये किससे बना हुआ है ये बना हुआ पेरिफ्रल प्रोटीन से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था बोलते हैं है, उनको क्या बोलते हैं तो ये प्रोटीन्स है ये कुछ बाहर के हैं और कुछ क्या है अंदर के हैं यस yes, अब ये हेल्प करेगा अपने को प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने में कैसे हेल्प करेगा ये जो अंदर ज्यादा एच पॉजिटिव बैठे हैं ना अंदर ज्यादा एच पॉजिटिव बैठे हैं वो चलते हुए आएंगे सबसे पहले किसके पास आए एफ नॉट एफ नॉट ने एक चैनल की तरह एक्ट किया देन किसके पास पास आए F के पास आए बेटा के में क्या था एटीपी जो कि क्या करेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करके क्या बना देगा एटीपी मतलब बच्चों एटीपी कहां बना स्ट्रोमा में बना या ल्यूमन में बना बताओ जरा एटीपी ये कहां बना स्ट्रोमा में बना या ल्यूमन में बना यस yes, बताओ कहा बना स्ट्रोमा में बना या ल्यूमिन में बना कमऑन कम ऑन बेटा बताइए मैं ट्रांसपोर्ट कर रही हूं बेटा इन एच पॉजिटिव को कहा बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ जैसे ये ट्रांसपोर्ट होंगे एच पॉजिटिव बेटा ग्रेडियंट टूटेगा और ग्रेडियंट के टूटने से एनर्जी निकलेगी प्रोटॉन मोटिव फोर्स इस प्रोटोन मोटिव फोर्स को यूज करेगा एफ वन पार्टिकल और क्योंकि इसके पास एटीपी सिंथे एक्टिविटी है इसके पास एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज जिसकी मदद से अल्टीमेटली एडीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा

या फिर अलोंग द कंसेंट्रेशन हो रहा है ये जो प्रोटोन का मूवमेंट है फ्रॉम ल्यूमिन टू स्ट्रोमा इज दिसनिंग अगेंस्ट द कंसनट्रेशन और अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन दिमाग लगाना है हाई टू लो है या लो टू हाई है हाई टू लो है या लो टू हाई है कम ऑन बच्चों फटाफट से दिमाग लगाइए यस yes, बिल्कुल ठीक है बेटा अंदर ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा है बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम है तो अपने अंदर से बाहर को लेकर आ रहे हैं हम अंदर से बाहर को लेकर आ रहे हैं तो यार ये हाई टू लो है मतलब ये एक तरीके का क्या है ये डिफ्यूजन है लेकिन बेटा ध्यान दोगे ये डिफ्यूजन ये डिफ्यूजन प्रोटीन की मदद से हो रहा है ये प्रोटीन ही तो है एफ नॉट एफ वन ये कैसा डिफ्यूजन कहलाएगा फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन कैन बी दिस एज बेटा क्योंकि यहां पर एनर्जी लग नहीं रही है एनर्जी तो बन रही है लेकिन ये जो मूवमेंट है अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर मूवमेंट प्रोटीन की मदद से हो रहा है और ऐसा जिसमें एनर्जी नहीं यूज होती प्रोटीन की मदद से होता है उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या बोलते हो बेटा जी फैसिलिटेट

या फिर पेरिफेरल प्रोटीन से पेरिफेरल प्रोटीन से बच्चों क्लियर हुआ क्लियर हुआ सबको ये चीज हाँ जी अब सवाल आता है कि चलो तुमने एटीपी बना लिया लाइट रिएक्शन समाप्त हो गया एटीपी बन गए अपने भैया एटीपी बने कि नहीं बने बन चुके हैं एटीपी हमने अंदर से लेकर स्ल्यूमन से लेकर स्ट्रोमा में एच पॉजिटिव डाल दिए ग्रेडियंट को तोड़ दिया जो कि बनाया था हमने एटीएस में एटीपी बन गया बट कैसे ये अंदर तुमने ग्रेडियंट को क्रिएट किया एनसीईआरटी में हुआ तीन मेजर पॉइंट्स। व्हाट आर दो पॉइंट्स? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसमें से सवाल आने के मतलब 90 परसेंट चांसेस रहते हैं कि वो तीन पॉइंट्स कौन से हैं तीन रीजंस कौन से हैं, जिससे तुमने अंदर का ग्रेडियंट क्रिएट किया इसका आंसर है बेटा हमारे कल के लेक्चर में जरा यहां ध्यान दो ध्यान दो सबसे पहला किस चीज ने हमें मदद की ल्यूमेन में प्रोटॉन भरने के लिए भैया ग्रेडियंट क्रिएट करने का क्या मतलब है कि तुमने ल्यूमेन में प्रोटॉन को भर लिया कैसे भरा तीन चीजों से भरा आ जाइए बेटा पहली चीज पहला काम किसने किया प्लास्टोनॉन ने किया प्लास्टोन ने, ने इस प्रोटॉन को अंदर की तरफ डाल दिया स्ट्रोमा से लिया और ल्यूमन में डाल दिया क्यों डाला प्लास्टोनॉन ने क्योंकि भैया उसके पास एनर्जी थी एनर्जी कहां से आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे थे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे तो यहां पर रीजन आएगा कि ये जो फिओफाइटिन है इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो एक प्रोटॉन कैरियर को दिया प्रोटॉन कैरियर कौन है तो पहला रीजन क्योंकि अंदर ल्यूमेन में वन रीजन जिसने प्रोटोन ग्रेडियंट को क्रिएट किया दूसरा रीजन ये रहा वॉटर स्प्लिटिंग पानी भी तो टूटा था और पानी टूटने वाला एंजाइम किस तरफ था अंदर की तरफ था पानी जो टूटा पानी से भी क्या निकले एच पॉजिटिव निकले जो कि अपने ने स्ट्रोमा में स्टोर ल्यूमिन uh, में स्टोर कर लिए ठीक है जी जिसकी वजह से अंदर जो है कंसंट्रेशन की एच पॉजिटिव की वो क्या होती गई बढ़ती गई यस एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती गई नेक्स्ट बेटा ये जो एन ए को रिड्यूस करने के लिए एन को बेटा रिड्यूस करने के लिए भी मैंने पॉजिटिव को यूज किया था वो एच पॉजिटिव मैंने कहां से लिए थे स्ट्रोमा से लिए थे तो स्ट्रोमा में तुम कम कर रहे हो ल्यूमन में तुम ज्यादा कर रहे हो ठीक है इन तीन रीजन की वजह से अल्टीमेटली आपने प्रोटोन ग्रेडियंट को क्रिएट किया सो वॉट इज द रीजन अगर एनसीआरटी पूछे रीजन फॉर इंक्रीज इन एच पॉजिटिव रीजन फॉर इंक्रीज ऑफ एच पॉजिटिव इन ल्यूमिन ल्यूमिन में बेटा कैसे बढ़ा तीन रीजन हैं सबसे पहले पानी तोड़ा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तुमने ल्यूमन के साइड पे किया वाटर टूटता है तो एच पॉजिटिव निकलता है एच पॉजिटिव निकलेगा तो अंदर ल्यूमन में बढ़ेगा रीजन क्योंकि के पास प्रोटॉन पंप था इसने बेटा ऊपर से यानी कि स्ट्रोमा से लेकर प्रोटॉन डाल दिए थे ल्यूमेन में ये रीजन था नेक्स्ट था कि जो एन ए डी पी रिडाटे थे जिन्होंने एन ए डी पी एन डी पी पॉजिटिव को रिड्यूस करना था दे प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा उन्होंने स्ट्रोमा से लिए तो स्ट्रोमा में कमी हो गई ना स्ट्रोमा से लिए टू रिड्यूस एन ए डी पी एच टू फॉर्म एन एच ठीक है तो समझा दू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा एनसीआरटी ने पी क्यू वगैरह का नाम नहीं लिया बट एनसीआरटी ने तीन मेजर रीजन लिख दिए ये देखिए बेटा हां जी खोल लिया ओके सो पहला रीजन क्यों ग्रेडिएंट क्रिएट हुआ क्रिएट होने का रीजन है क्योंकि बेटा पानी की स्प्लिटिंग हुई जो कि कहा हुई इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ये हर लाइन में बेटा क्वेश्चन है हर वर्ड में क्वेश्चन है पानी की स्प्लिटिंग हुई ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेक्स्ट आता है the proton or the hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate in the lumen jo beta andar ki side par proton bane water ke tootne se bane the na 2h2o ne four electron four proton aur oxygen release kiya tha wo jo proton the wo apne ne lumen mein store kare to lumen ke andar lumen के अंदर H positive ज्यादा gradient create हुआ कि नहीं हुआ yes, बेटा हुआ कि नहीं हुआ Next और किस वजह से gradient create हुआ very important paragraph बेटा इसको अपनी एनसीआर अभी की अभी खोलिए Yes guys

यस yes, बेटा बताइए कौन है ये किसकी बात हो रही है यस यस बताइए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईटीएस को लो ईटीएस में फोटो सिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन कहां दौड़ता है कौन है पहला एक्सेप्टर वेरी गुड देखो जरा कौन आंसर देता है ये पी क्यू वाले सब गलत है पी क्यू वाले गलत है प्राइमरी एक्सेप्टर इज नॉट पी क्यू गाइज ये देखिए प्राइमरी एक्सेप्टर इज फीओन कौन है बेटा जी पी क्यू नहीं है कौन है ये फिओन है तो यहां पर लिख लो प्राइमरी एक्सेप्टर यानी कि फिओफाइटन की बात हो रही है फियोफाइटेन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड क्वेश्चन आ गया बेटा वो पूछ सकते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर बाहर की साइड पे है मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पे तुम बोलोगे बाहर की साइड पे है प्राइमरी एक्सेप्टर ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू प्रोटोन कैरियर तो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं कौन है प्रोटोन कैरियर बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं पी क्यू की क्योंकि बेटा इस प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक प्रोटोन कैरियर को दिया था तभी बेटा मैंने कल लिखवाया था तुम्हें तो कि पी क्यू कहां लिखवाया था ये रहा कहाँ लिखवाया था गायब हो गया पी बेटा एक प्रोटोन कैरियर भी है अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन कैरियर ठीक है जी हेंथ दिस मॉलिक्यूल

क्योंकि पी क्यू ने इसको दिया था द प्रोटोन इज रिलीज ऑन टू द इनर साइड इन टू द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन यस तो एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिखे हैं फीओ कौन है पी क्यू कौन है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कौन है आपको याद रखने हैं तो अभी तक क्या पता चला बेटा जब प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं किसकी मदद से आ रहे हैं पी क्यू की आ रहे हैं ठीक है जीके? जिसकी वजह से क्यों हुआ क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर यानी कि फिओफाइटिन जो कि बाहर वाली साइड था उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया पी क्यू को फिर जब पी क्यू इलेक्ट्रॉन आगे किसको दे रहा है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ को जो की अंदर की साइड है तो बेटा इसके चलते उसने स्ट्रोमा में से एक प्रोटॉन लिया और ल्यूमन में डाल दिया लिख लो ये सारी चीजें बेटा एनसीआरटी में नोट करिए कि किन है ये पी क्यू है साइटोग्रोम बी सिक्स एफ है जी तीसरा रीजन सिंपल कि एन ए डी रिडक्टेज एनजाइम जो कि स्ट्रोमा की साइड पर है अगेन क्वेश्चन किस साइड पे है बेटा बाहर की साइड पे है

प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को हमने इस बारी तोड़ा हमने इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक किया और ब्रेक करने की वजह से एटीपी बने दिस इज लाइट रिएक्शन बताइए क्या सबको एसी पावर की फॉर्मेशन पता चली हाँ जी पता चली या नहीं पता चली यानी कि अगर मुझे केमीओसमोसिस कराना है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ऑस्मोसिस कराना है तो सबसे पहले मुझे एक प्रोटोन ग्रेडियंट तो चाहिए ही चाहिए है ना बिना उसके मैं केमी ऑस्मोसिस नहीं करा पाऊंगी दूसरा बेटा मुझे प्लास्टोकिनोन की फॉर्म में प्रोटॉन पंप भी चाहिए पंप यानी कि जो बाहर से उठा के स्ट्रोमा से उठा के प्रोटॉन को अंदर फेंके देन बेटा मुझे एटीपी सिंथेज एक्टिविटी चाहिए एटीपी सिंथेज एक्टिविटी चाहिए और बेटा ये काम कहां पर हो रहा था मेम्ब्रेन ऑफ थाड में और मेम्ब्रेन ऑफ थाड भी चाहिए चार चीजें बेटा मुझे चाहिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है आपको चारों चीजें दी होंगी इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है तुम ऑल ऑफ दी मेम्ब्रेन भी चाहिए मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटॉन पंप भी चाहिए पंप यानी किसकी बात हो रही है प्लास्टोकिनॉन की बात हो रही है जिसकी हेल्प से ग्रेडियंट बनेगा और ग्रेडियंट बन गया तो हम ए प्रोटीन को यूज करके उस एंजाइम को यूज करके हम ए बना लेंगे yes, yes. पता चला हाँ जी बेटा थैंक यू बेटा हैप्पी दिवाली टू यू टू क्या बाजार जा रहे हैं आज बाजार गए हुए लगता है आधे बच्चे कहां गए हुए बाजार गए हुए हैं जिसका सब्सक्रिप्शन है अच्छी बात है जिसका नहीं है वो थर्टी परसेंट वाला ऑफर यूज कर सकते हैं यू ऑल कैन यूज थर्टी परसेंट वाला ऑफर जो कि सिर्फ फर्स्ट वन फिफ्टी लर्नर के लिए ही है कोड उसके लिए स्पेसिफिक है सीप नहीं लगेगा उसके लिए एक अलग कोड दिया है मैंने स्पेसिफिकली अपने बच्चों को टेलीग्राम पे वहां से करना है यस yes? अच्छा अच्छा मैम कल की तरह टेबल चेयर पकड़ के बैठे हैं क्लास करने के लिए क्या बात है क्या बात है कल की तरह टेबल चेयर भी पकड़ने बैठे हैं। नहीं बेटा एक बजे तो मैंने लगाई नहीं थी बेटा साढ़े चार की लगी हुई थी नंदिनी जी यस चलिए सो so, यहां पर एंड हुआ केमीओसमोसिस क्या क्या फोटोसिंथेसिस यहीं खत्म कर दूं बच्चों बताओ क्या फोटोसिंथेसिस यहीं खत्म कर दूं तुम कहते तो कर देती हो यार तुम कहते तो कर देती sure. यस बता दो तुम कहते हो तो कर देती हूं बहुत सारे बच्चों को बेटा बहुत जल्दी थी ना प्लांट फिजियो करने की उनका ये जो प्लांट फिजियो करने का जो बूथ है वो कितने दिन सवार रहा पाँच दिन जबकि ये लेक्चर कितने दिन का है बीस दिन का बीस दिन का पूरा यूनिट है अभी तो हमें पाँच छः छः छठा दिन चल रहा है अराउंड सिक्स डे चल रहा है और सिक्स डे में बेटा प्लांट फिजियोलॉजी का बूथ खत्म हो चुका है है ना एंड हो चुका है मैं वही लिख रही हूँ टेलीग्राम पे कि यार तुम्हारा प्लांट फिजियो का बूथ खत्म हो चुका है तो इसको एंड करते हैं है ना तो इस सीरीज को एंड कर देते हैं बाकी तुम कर लेना बहुत सारी जगह यार जहां पे नए कोर्स रोज शुरू होते हैं तुमको क्या चाहिए तुमको ये थोड़ा चाहिए कि कोई कोर्स चलता रहे तुमको तो ये चाहिए होता है कि यार कब आएगा? कब नया नया आएगा आएगा ताकि वहां पे तुम्हें कोई बता दे कि आज से अगर तुम नीट की प्रिपरेशन शुरू करोगे ना तो अब तुम्हारा नीट हो जाएगा तुम तो यही सुनना चाहते हो कि क्या आज से शुरू करूं तो हो जाएगा अरे वहां नया कोर्स चल रहा है उस नए कोर्स में बैठता हूं मैं आज से अगर उस नए कोर्स में बैठूंगा तो मैडम ने बोले कि यार मैम पूरा करा देंगी मैम तो करा देंगी यार मैम ने बोला है तो वो पूरा करा देंगी तुम पूरा करने के लिए बैठे हो तुम्हारे अंदर जो फायर है वो कितने दिन तक जागरूक रही छे दिन तक छे दिन बेटा ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता नीट किन का क्रैक होता है बेटा जो दो साल तक कंसिस्टेंट है जिनका मन नहीं भरता है मन भर भी जाता है तो भी वो मन को मार के आते हैं लेकिन तुम्हारा तो यार हिसाब ही अलग है तुमको अगर हॉलिडे सीजन में पढ़ा लो तो तुम्हारी हालत ऐसी हो रही है कि क्यों बुला लिया ये तो मेरी छुट्टी थी मुझे क्यों बुला लिया है ना हम तो जा रहे हैं बाजार मिठाई खरीदने ज्वेलरी खरीदने दिया जलाएंगे बेटा जला लेना दिया बहुत ज़रूरी है वो भी लेकिन जो तुम मिस कर रहे हो ना उसकी जगह बेटा मैं भी अपनी पूरा परिवार छोड़ के दिवाली के टाइम पे दिस इज द मेन फेस्टिविटीज दिवाली के टाइम पे आई एम आल्सो स्टैंडिंग हियर आई एम आल्सो नॉट बीइंग पार्ट ऑफ दोस थिंग्स ठीक है आपको क्या लगता है मेरे पेरेंट्स नहीं बोलते होंगे बट आई थिंक कि यार इस समय जरूरी है इस समय बच्चों का साथ देना जरूरी है क्योंकि यार 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 अगर अगर मैं इस समय ढीली हुई तो यार बच्चे तो तो बच्चे वैसे ही ही हो जाएंगे दे आर वेरी टेंडर बट तुम तो यार कोई फर्क नहीं है तुमको तुमको अगर ऐसा ही करना है तो मुझे बता दो यार मैं भी दिवाली मना लेती हूँ मैंने तो सोचा था मैं कल भी क्लास लूंगी परसों भी लूंगी परसों हम फोटोसिंथेसिस को खत्म कर देंगे ऐसे क्लासेस लेंगे अगर बेटा तुम्हें नहीं पढ़ना तो प्लीज टेल मी लेट मी गो एंड सेलिब्रेट मुझे इसका पैसा नहीं मिलता नो, no. ये मैं अपनी इच्छा से आ रही हूं। मुझे तो सारी टीम आप चाहते हो कि ठीक है कोई बात नहीं एंड कर देते हैं इसको बाकी तुम पढ़ लेना तुम्हारे पास नया कोर्स तो हर रोज शुरू होता है यही फोटोसिंथेसिस आज कोई और शुरू कर रहा होगा कल कोई और शुरू कर रहा होगा तो यार ये तो रोज ही होता है

टीचर वेन लीव्स ये साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है आप सब जानते हैं बट आई वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस दिस ऑल्सो फॉर यू गाइज बट अब नहीं ये आखिरी क्लास है कल होनी थी लेकिन मैं कल की क्लास हटवा दूंगी परसों भी होनी थी और चैप्टर खत्म करना था और मैं परसों की क्लास में बेटा हटवाऊंगी आप सेलिब्रेट कीजिए आप जाइए दिवाली मनाइए बहुत खुशियों का त्यौहार है मैं चाहती हूं मैं दिल से चाहती हूँ यार तुम्हारे साथ अच्छा हो बट बेटा मैं अपना नुकसान क्यों करूँ फिर है ना मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा था हम स्पेशल भी रखेंगे अगर आप मेरी स्पेशल क्लास की प्रोफाइल देख लेंगे अन अकेडमी की प्रोफाइल में आज आप जाइए मेरे यू विल सी कि आपकी कल की दो क्लासेस लगी हुई हैं दिवाली वाले दिन की भी क्लास लगी हुई है उससे अगले दिन जब गोवर्धन पूजा होती है उसकी भी क्लास लगी हुई है भाई दूज की भी क्लास लगी हुई है तो बेटा मैं तो पागल हूँ फिर है ना मैं तो पागल मैंने चार क्लासे लगा दी चार तुम्हारी यूट्यूब की लगी हुई है क्यों हो रही है रहा ना तो ये सारी क्लासेस सा तो, तो बट हां कल परसों चौथ की जो क्लासेस लगी हुई थी वो अब नहीं होंगी क्योंकि आपको तो सेलिब्रेट करना है ना आप जाइए सेलिब्रेट करिए ठीक है जी ठीक है जी चलो आ जाओ डार्क रिएक्शन पे आ जाइए बेटा किस पे डार्क रिएक्शन पे यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी हार्ड वर्क टू कम इन फ्रंट ऑफ दिस स्क्रीन एंड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू कम व्हेन एवरीवन इज एंजॉयिंग है ना सब एंजॉय कर रहे हैं सब लेकिन मैंने सोचा था यार मैं अपने बच्चों के साथ मैं ही उनका मोटिवेशन हूँ मुझे ऐसा लगता था दैट आई एम द मोटिवेशन अगर मैं आऊंगी तो वो भी आएंगे है ना मैं आऊंगी फेस्टिवल वाले दिन तो यार वो भी अपना एक घंटा तो निकाल ही लेंगे दो घंटे कोई बड़ी बात नहीं होती एक प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे तो इसी सोच में मैंने तुम्हारा दिवाली का अच्छा टाइम जब तुम फ्री होते हो उसमें मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी क्लासेस प्लान की थी प्रैक्टिस सेशन प्लान किए थे बट कोई बात नहीं है ना कोई बात नहीं चलो जी आ जाते हैं तो डार्क रिएक्शन में अल्टीमेटली बेटा अपने लोग क्या बनाएंगे ग्लूकोज बनाएंगे क्योंकि सारा काम हम किसके लिए कर रहे थे ग्लूकोज के लिए कर रहे थे ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए क्या ए और एन ये दोनों मैंने किस में बना ली लाइट रिएक्शन में बना ली यानी कि जो डार्क रिएक्शन है डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है प्रोडक्ट्स पे किसके प्रोडक्ट पे लाइट रिएक्शन पे यानी कि डार्क रिएक्शन जब हो रही थी तब अचानक से तुम होगा ही है ना अचानक से नहीं होगी तो शुरू करते हैं बेटा जी डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन में हम सी थ्री साइकिल ये सब करने वाले आज के क्लास में आपको सी थ्री साइकिल कराऊंगी ठीक है क्या कराऊंगी थ्री साइकिल ठीक है जी ये जो C3 साइकिल है इसका दूसरा नाम है कैलविन साइकिल क्या नाम है बेटा जी कैलविन साइकिल ठीक है इसने ये जो साइकिल दिया था ये दिया था केस ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी एल्गी क्लोरेला ठीक है ये याद करना है आपको और बेटा उसने इस साइकिल को देने में एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था कार्बन का दैट इज सी फोर्टीन ही टुक द सी फोर्टीन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द कार्बन राइट बेटा अब ये जो साइकिल है सी थ्री साइकिल है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल साइकिल यस दिस साइकिल इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल साइकिल क्यों बेटा जी इसको यूनिवर्सल साइकिल बोला जा रहा है बिकॉज बेटा इन दिस दिस फोटोसिंथेसिस करते हैं सबके सब में ये साइकिल होता है, है, है। अगले में हमने करना था खैर अब तो वो सेशन नहीं होंगे तुम से समझ लेना इसको लिंक्री से कर लेना मेरी लाइफ तो नहीं हो पाएगा अब वो बट मैं तुम्हें बता दू आने वाली क्लासेस में तुमको पता चलता कि C3, C4, camp, तीन के प्लांट्स होते हैं अब ऐसा नहीं है कि सीथरी साइकिल सिर्फ सीथरी प्लांट्स में होगा नो मैंने इसको यहां पर क्या है यूनिवर्सल

स्ट्रोमा के पास प्रस्तुत है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कराने वाली हूं बेटा स्ट्रोमा के पास एक बड़ा ही मजेदार चीज है जिसका नाम है रुबिस्को, रुबिस्को। यानी कि ये एंजाइम है एंजाइम यानी कि ये प्रोटीन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फेर यस ये आपको मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया हुआ है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर है ना अगर तुमसे पूछ लेते मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड तो तुम बोलते कोलेजन यहां पर आ गया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द होल बायोस्फीयर दैट इज गोइंग टू बी रुबिस्को अब नाम देखिए बेटा रिबुलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी कि इसके पास दो बार एज एज आया दो बार एज एज आने का मतलब है ये बाई फंक्शनल है क्या है बेटा जी ये बाई फंक्शनल है दो काम करता है कौन से दो काम करता है भैया ये एक कार्बोक्सीलेज भी है और ये एक भी है क्या मतलब है इसका कार्बोक्सीलेज का मतलब है ये आर यू बी पी में सीओ टू भी एड कर देता है सीओ टू एड करने का क्या मतलब हुआ कार्बोक्सीलेशन हुआ ये बेटा आर यू बी पी के अंदर RUBP के अंदर ऑक्सीजन भी ऐड कर देता है यानी कि कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी है इसकी और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी का मतलब है इट कैन ऐड CO2 है ना जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या ऐड कर सकता है CO2 ऐड कर सकता है और बेटा ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी का मतलब इट कैन ऐड O2 अब बेटा जब ये CO2 ऐड करता है ये प्रोसेस होता है किसके अंदर ये प्रोसेस होता है बेटा जी C3 साइकिल में ये प्रोसेस किसमें होता है C3 साइकिल में और ऑक्सीजन वाला प्रोसेस किसमें होता है फोटो रेस्पिरेशन में सो दिस टेक्स प्लेस इन C3 साइकिल जो कि आज हम करने वाले हैं ठीक है दिस विल अकर इन फोटो रेस्पिरेशन जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है बिल्कुल वेस्ट है फोटो रेस्पिरेशन जो कि हमने आने वाली कक्षाओं में करना था ठीक है आने वाली कक्षाओं में करना

है ना तो आज वाला पीडीएफ भी मैं दे ही दूंगी मैं क्या करूंगी यार रखे मैंने थोड़ा पढ़ना है मेरी थोड़ा क्लास है ना मेरा कोई पेपर है ना मुझे करना मैं भी बेटा कल जाती हूँ कुछ प्लान बनाती हूँ मेरे पेरेंट्स बुला रहे हैं मैं चली जाती हूँ ना तत्काल में टिकट ले लेती हूँ मैं तो मैंने इस बार मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी आई विल नॉट कम ऑन दिवाली बट नाउ आई विल गो आई विल गो अभी मैं जाकर टिकट देखूंगी मुझे भी तत्काल की मिल जाएगी हाँ भाई जैसे सब हफ्ता छुट्टी में है तुम भी तो छुट्टी पे हो भैया तुम भी तो छुट्टी पे हो तो मैं भी छुट्टी मना लूंगी थोड़ी सी राइट सब बच्चे छुट्टी में हैं तो मैम क्यों नहीं छुट्टी मना रही है वही लग रहा है बेटा ओके अब यार एक कैलविन साइकिल से एक कैल्विन साइकिल में ध्यान देना एक कैलविन साइकिल में हमको क्या बनाना है छे कार्बन वाला सी सिक्स एसटेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज बनाना है एक कैल्विन साइकिल में एक बारी में एक सीओ टू ही फिक्स हो पाता है एक सीओ टू ही फिक्स हो पाता है अगर ये एक फिक्स होगा, तो क्या कार्बन वाला तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे तुम समझो, मतलब अगर तुम चाहते हो कि कार्बन वाला एक ग्लूकोज बने तो तुमको कितना सीओ टू डालना पड़ेगा तुमको बेटा सिक्स सीओ टू डालना पड़ेगा तब जाकर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा बात है कि नहीं है, है ना अगर तुम एक एक ही डालोगे तो नहीं बन पाएगा अगर तुम चाहते हो कि मुझे एक ग्लूकोज बनाना है तो तुमको कितनी बारी चलाना पड़ेगा? बारी चलाना पड़ेगा यानी कि कैल्विन साइकिल रन सिक्स टाइम्स टू फॉर्म टू फॉर्म वन ग्लूकोज एक ग्लूकोज बनाने के लिए छह बारी कैलविन साइकिल चलाना पड़ेगा मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे छह बारी क्या डालना पड़ेगा सीओ टू डालना पड़ेगा जब छह सीओ टू अंदर जाएंगे तभी बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनकर आएगा अब थोड़ा सा लैंडस्केप लैंडस्केप मोड मोड में में पेज लेना एंड इन लैंडस्केप में अपने लोग छे के छे CO2 अंदर देंगे. कितने छे के छे सीओ टू अंदर घुसा देंगे घुसा दे यस रेडी है सब बच्चे आज तो रेडी हो जाओ बेटा अब आई गए हो तो लगा ही लो है ना कल तो नहीं है कल से छुट्टी है भैया कल से छुट्टी मैं भी जा रही हूँ क्योंकि तुम तो जा ही रहे हो तुम तो वैसे भी नहीं हो है ना आधे बजे ट्रेन में आधे लगता ल, ल, लगता है फुलझड़ी खरीदने गए हैं रॉकेट खरीदने गए हैं कुछ अनार चला रहे हैं कुछ चक्री चला रहे हैं ठीक है बेटा मैं भी चकरिया चला लूंगी जाके राइट चलिए तो अपने पास क्या है सिक्स सी टू है मैं सीधा बेटा सिक्स सीओ टू लेके चल रही हूँ मतलब मैं एक ग्लूकोज बना दूंगी अभी कोशिश करके मैं यहाँ पर एक ग्लूकोज बना दूंगी तो अपने पास सिक्स सी टू है हम छे से ही स्टार्ट करेंगे बेटा क्योंकि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए छः सी टू चाहिए ये बेटा स्ट्रोमा में गए स्ट्रोमा में इनको मिले छे आर यू बी पी है ना रिबुलोज बिस्फेट रिबुलोज वन फाइव क्या मिले छे आर यू बीबी में आर यू फुल फॉर्म यहां पर लिख रही हूं ठीक है दैट इज रिबुलोज़ वन फाइव वन फाइव 15 रिब्यूलोज वन फाइव बेस फॉस्फेट ले 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 बेटा जी चलिए तो अगर बेटा एक CO2 किसके साथ जुड़ता है अगर एक CO2 जुड़ता है एक RuBP के साथ तो यार मेरे पास यहाँ पर 6 CO2 हैं तो इनको कितने RuBP लगेंगे 6 RuBP लगेंगे 6 RuBP के साथ जब 6 CO2 मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबस्को कौन सा एंजाइम रुबस्को ये लोग मिलके बना लेंगे क्या बना लेंगे यस yes. दे आर गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड क्यों पी जी बेटा इसके पास तीन कार्बन है क्या नाम है इसका इसका नाम है फॉस्पोगलाइसरिक एसिड क्या नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड तीन कार्बन वाला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है तो इसको बोल सकते हैं ट्रायोसफॉसफेट क्या बोल सकते हैं बेटा जी ट्रायोस फॉसफेट और इसको क्या बोल सकते हैं ट्रायोस शुगर क्या बोल सकते हैं ट्रायोस शुगर क्या ये बात समझ आई क्या बेटा जी ये बात आपको समझ आई जी यस yes. छोटा कर दिया मैंने दोबारा से समझो छे सीओ टू लिए मैंने ठीक है क्योंकि मैं छह बारे का साइकिल एक ही बारे में चलाऊंगी इनको मिला छह आर यू बीपी आर कितने कार्बन कंपाउंड है, है. यानी कि को मिला थ्री कार्बन वाले कंपाउंड बना लिए इसका नाम है थ्री पीजीए जरा दिमाग लगाइए अब मेरे पास टोटल कार्बन कितने हो चुके हैं कितने हो चुके हैं बेटा छे कार्बन ये थे ठीक है छे कार्बन क्या थे ये थे यहाँ पर पांच कार्बन वाले छे आर यू बी पी थे पांच कार्बन वाले छह आरयूबीपी थे यानी कि 6 फाइव आर 6 फाइव आर 30 कार्बन अपने पास ये हो गए छह कार्बन अपने पास ये हो गए टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा छत्तीस कार्बन हुए कि नहीं हुए 36 कार्बन यहाँ पर हुए तो मतलब मुझे तीन पीजीए कितने रखने पड़ेंगे टू तो बैलेंस द कार्बन कार्बन बैलेंस करो अगर मेरे पास तीन कार्बन का एक पीजीए है और मुझे टोटल 36 कार्बन करने हैं तो मैं कितना पीजीए रखूं जरा बताइए कितना पीजीए रखू आठ कहां से हुए आठ कहां से हुए बच्चों फाइव कार्बन वाला एक आर यू बी पी है मेरे पास छह आरयूबीपी है तो यार सिक्स फाइव थर्टी कार्बन हुए यहां पर छह कार्बन हुए यहां पर तो यानी कि टोटल थर्टी सिक्स कार्बन है अब मुझे 36 कार्बन यहां पर लेकर आने हैं सामने लेकर आने एक पीजीए के पास तीन कार्बन हैं तो टोटल मेरे पास कितने पीजीए बनेंगे Absolutely right. टोटल बेटा मेरे पास कितने पीजीए बनेंगे बारह पीजीए बन जाएंगे कितने बनेंगे बारह पीजीए और अगर बेटा मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ इसी वक्त मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ मैंने क्वेश्चन चेंज करके बोला मेरे पास एक सीओ टू है एक सीओ टू है प्लस एक आर यू है ये लो क्वेश्चन चेंज कर दिया तो कितने थ्री पीजीए बनाऊ तीन कार्बन वाला होता है ना थ्री पीजीए कितने बनाऊ अब कितने बनाऊ अगर मैं एक सीओ टू और एक आर यू बी पी लेती आर यूबीपी के पास अगेन पांच कार्बन ही है तो यार कितने थ्री पीजीए बनते दिमाग लगाओ भैया यहाँ पे पांच कार्बन है यहाँ पे छठा कार्बन यानी कि छह कार्बन अब ये तीन कार्बन का तो एक ही है मतलब यहाँ पर कितने पीजीए बनते दो बनते अगर एक सीओ टू के साथ तुम करते तो तुम्हारे पास टू तुम पीजीए बनते यहाँ पर तुम छे सीओ टू के साथ कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास बारह थ्री कार्बन वाले पी जी ए बन रहे हैं यहां पर रुबिस्को CO2 ऐड करने का काम कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे कारबोक्सीन बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे यस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेप जिसका नाम है कारबॉक्सीन क्योंकि यहां पर रुबिस्को ने CO2 ऐड कराया O2 ऐड नहीं कराया जिससे मेरे पास 12 थ्री पीजीए बने बारह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने अब बेटा ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसके जैसा दिख रहा है बेटा अगर तुमने नहीं समझा ना तुम्हारा पूरा गोल है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब यार फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब है इसके पास तीन कार्बन है और एक फॉस्फेट ग्रुप है ठीक है जी फॉस्फेट ग्रुप एक जगह अब मैं चाहती हूं कि इसके पास एक और फॉस्फेट ग्रुप आ जाए यानी कि ये क्या बन जाए वन थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाए अब बेटा इससे हम क्या बना रहे हैं इससे हम बना रहे हैं नेक्स्ट चीज दैट इज गोइंग टू बी वन थ्री डाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड तुम समझे क्या किया हमने कि पहले अपने पास तीन कार्बन वाले पे एक फॉस्फेट ग्रुप था मुझे अब क्या करना है तीन कार्बन वाले पे एक फास्फेट तो था ही एक फास्फेट और ऐड करना है मतलब मुझे यहां पर फास्फेट लेके आना पड़ेगा फास्फेट का सोर्स क्या है फास्फेट का सोर्स है बेटा एटीपी तो मैं एटीपी को तोड़ दो फास्फेट ग्रुप निकल आएगा अब यार अगर 12 पीजीए हैं तो मैं यहां पर 12 ही 13 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाऊंगी तो मैं कितना एटीपी तोड़ूं तो मैं कितना एटीपी तोड़ूं बेटा इन सबके पास एक ही फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर मुझे दो फॉस्फेट ग्रुप लाने हैं बारह से मुझे बारह बनाने हैं तो मैं कितना ए तोड़ू बता दो भाई। तुम अपना दिमाग लगाओ ये सारा दिमाग लगाने वाला साइकिल है सारा का सारा दिमाग लगाने वाला साइकिल है भैया बारह फॉस्फेट ग्रुप और चाहिए होंगे बारह फॉस्फेट ग्रुप और चाहिए होंगे तो तुम बारह एटीपी को तोड़ोगे तो क्या निकलेंगे 12 एडीपी निकलेंगे प्लस 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे और यही 12 इनऑर्गेनिक बेटा इसमें ऐड हो जाएंगे ठीक है यही 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड हुए और क्या बन गया वन थ्री डाई एसिड तो यार जो अपने ने लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाया था वो इस काम आया है वो इस काम आया है ठीक है अब तक ये फॉस्फोग्लेसरिक एसिड था अब इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है किस में में कन्वर्ट करना है तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोगल डी पी जी ए एल क्या नाम है बेटा इसका पी जी ए एल दैट इज फॉस्फो गलडीहाइड ग्लिसरेल हाइड ठीक है जी अब यार 12 पी 12 एसिड से मैंने टोटल 12 ही एल्डिहाइड बनाने हैं जरा केमिस्ट्री को टटोलो केमिस्ट्री को टटोलो जब हम एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं उस रिएक्शन में क्या होता है रिडक्शन होती है या फिर ऑक्सीडेशन होता है यस एसिड टू तो एल्डिहाइड इज दिस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यस एसिड टू तो एल्डिहाइड केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ बेटा एसिड टू एल्डिहाइड इज दिस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एब्सोल्युटली राइट बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट तुम बना चुके थे रिड्यूसिंग पावर एनएडीपीएच तो मुझे 12 एसिड को रिड्यूस करके 12 ही एल्डिहाइड बनाने हैं तो मैं 12 एनएडीपीएच यूज कर लूं बारह एन ए डी पी एच यूज कर लू और क्या बना लू बारह एन ए डी पी पॉजिटिव बना लू रिड्यूस करके और साथ में बारह एच पॉजिटिव रिलीज कर दू सिंपल है ना हमने बारह एसिड से बारह एल डी हाइड बनाए तो बारह रिड्यूसिंग पावर ले आएंगे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी तो हमने कब बनाया ये भी हमने बनाया कब यस ई टी एस में है ना इटीएस में बनाया तो लाइट रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट्स एसिमिलेटरी पावर में ए भी यूज कर लिए और एन भी यूज कर ले और मेरे पास ये बारह PGAL एल यानी कि एल आ चुकी है अब यार इस बारह में से दो निकाल दो ठीक है दो निकाल दो इस बारह में से मैंने बेटा दो साइड पे निकाल दिया निकालने यार दो साइड पे निकाल दो तो इन टू पी जी ए एल को साइड पे निकाल दिया जाए और इस पर स्टार लगा दिया जाए कितने बच गए मेरे पास मैंने बारह में से दो निकाल लिए मेरे पास बेटा कितने बचे मेरे पास बचे टेन पी जी ए एल बचे कि नहीं बचे यस बच्चों मेरे पास कितने बचे टेन पी जी A एल है ना बताओ मेरे पास कितने बचे टेन पी जी ए एल बारह में से दो निकाल दिए अगर मैं बारह में से बेटा जी दो निकाल दूंगी तो मेरे पास बन जाएंगे टेन पी जी ए एल यस यहाँ पे क्लियर है इन टेन पी जी एल के पास कितना कार्बन है भैया यहां पर भी तीन कार्बन था यहां भी तीन कार्बन चल रहा है ये भी थ्री कार्बन है तो यह भी कितना हो जाएगा बेटा थ्री कार्बन वाला कंपाउंड है yes, यस, भी कितना है? थ्री कार्बन वाला कंपाउंड है अब ये जो दस पी बचे नाउ दे आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू सिक्स रेब्यूलोस फाइव फॉस्फेट ये क्या बना लेंगे टोटल नंबर है सिक्स क्या है बेटा जी टोटल यहां पर नंबर है तो ribulose phosphate हमने बनाए. ठीक है? है नहीं बनाया. वो RUBP है बेटा. अभी सिंगल फॉस्पेट वाला अपने ने क्या बना लिया सिंगल फॉस्पेट वाला बेटा क्या बना लिया रिबुलोज फाइव फॉस्फेट ठीक है कितने कार्बन है इसके पास पांच कार्बन है देखो तीस तीस कार्बन बैलेंस करने कर दू ये देखो ये देखिए बेटा टेन थ्री हजार थर्टी कार्बन और इस थर्टी कार्बन से मैंने सिक्स फाइव हजार थर्टी कार्बन वाला रिबुलोज फाइव फॉस्वेट बना लिया

इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे ये फॉस्फेट बेटा यहाँ पर एड होगा और हमारे पास रीजेनरेट हो जाएगा सिक्स आर यू बी पी रीजेनरेट हो जाएगा सिक्स आर यू बी पी समझ रहे हो जहां से शुरू हुए थे साइकिल में वहीं पर वापस आ गए हमने आर यू बी पी को यूज किया था छू बी पी ये छे आर यू बी पी बेटा अपने रीजेनरेट कर दिए ठीक है जी पहला स्टेप इसमें क्या किया की दोबारा से सुनो जिसमें आर यू बीपी में सीओ टू को एड किया ठीक है जी क्या बना लिया एक एसिड बना लिया एसिड फिर बेटा इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक एक फॉस्फेट और डाल दिया तो ये बन गया वन थ्री डाइफॉसफोगिक एसिड ये फॉस्फेट हमेशा ATP से लेते हैं बेटा इस acid से से, से बना बना लिया, तो reduce करेंगे कैसे NADPH से. Reduce करके लिए 12 PG 12 PGAL, PGAL PGAL में से दो बाहर निकाल दिए, 10 10 बचे, ये जो 10 ultimately beta, ये जो हैं, बेटा क्या बनाएंगे वो 5 फॉस्फेट ठीक है छह बना लेंगे 5 -phosphate. अभी एक और चाहिए RuBP बनाने के लिए ताकि ये बन जाए रिबुलोजन कार्बन जरा मैनेज कर लो कार्बन मैनेज कर लो

तुम notice करते 30 carbon ही चल रहे हैं 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 फिर से पर बेटा पांच लिए क्या ये सबको करने बस, carbon manage करने बस बताइए yes, पहला step इसमें कार्बोक्सिलेशन है ये जो सेकंड स्टेप तुम देख रहे हो ये जो बेटा जी सेकंड स्टेप तुम देख रहे हो दिस कॉल्ड एज रिडक्शन कर रहे हो ना बेसिकली ये बेटा क्या है रिडक्शन क्योंकि एन ये जो लास्ट स्टेप यूज किया एसिड टू एल से हाइट बनाने वाला यहां पर दोबारा से बना रहे हो दिस इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन क्या बोलते हैं इसको रीजेनरेशन एनसीआरटी में अगर तुम देखोगे वो ये स्टेप खा गए उन्होंने ही बताया ही नहीं उन्होंने सीधा थ्री से पी बना दिया सीधा बना दिया ठीक है जी और सीधा बनाकर यहाँ पर क्या किया रिडक्शन दिखा दी एंड देन अल्टीमेटली बेटा यहाँ से सीधा बना दिया और सीधा बना दी और दिखा दि, बट में क्या हो रहा है ये रस्ते वाली चीजें मैंने तुमको बता दी हैं ठीक है बता दी हैं अब यार ये डार्क रिएक्शन चलाई क्यों थी ये डार्क रिएक्शन चलाई थी कि भैया ग्लूकोज बने ग्लूकोज तो कहीं बन ही नहीं रहा आपको दिख रहा है बेटा ग्लूकोज बनता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा मुझे तो बेटा कहीं भी नहीं दिख रहा पर ग्लूकोस तो नहीं रहा। अभी तक आप नोटिस करिए बेटा, इतना बड़ा हमने डार्क रिएक्शन चला दिया ग्लूकोज तो देख ही नहीं रहा यानी कि फोटोसिंथेसिस को ग्लूकोज की परवाह ही नहीं है ये ग्लूकोज बने ना बने फोटोसिंथेसिस को किसकी परवाह है कि जो आरयूबीपी मैंने यूज किया था वो आरयूबीपी मैं वापस दे दूं फोटोसिंथेसिस को चिंता किसकी है रीजनरेशन की है फोटोसिंथेसिस को चिंता उसकी नहीं है कि वो दोबारा से क्या बना ले वो इस प्रोसेस में ग्लूकोज बना ले मतलब फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी इतनी नहीं है पचास परसेंट बस हाफ है उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है चलिए एनीवे anyway, अब जब नोटिस करो ये इस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आज मुझे आपको कराने हैं जब ये छह सी टू जुड़े आपके छह आर यू बी पांच कार्बन वाले से तो तुमने बारह बना लिए तीन कार्बन वाले थ्री पी जी ए फर्सफो एसिड अब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है अगर तुम्हें सवाल आए विच वन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ यस फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैलविन साइकिल यस क्या नाम दोगे बेटा आर यू बी पी या पीजीए विच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैलविन साइकिल आर यू बी पी या फिर थ्री पीजीए भैया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है भैया फर्स्ट स्टेप कार्बोक्टल प्रोडक्ट हमारा थ्री कार्बन कंपाउंड है इसीलिए तो cycle को C3 साइकिल बोला है है ना इसीलिए तो इस cycle को क्या बोला है C3 साइकिल मजे थोड़ा आ रहे हैं कि थ्री लगा दो नहीं

फॉस्फेट आरयूबीपी इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ठीक है जी अब दोबारा देखो भैया ग्लूकोस तो बना ही नहीं रहे हो फोटोसिंथेसिस कहाँ है ये तो भैया रीजनरेशन दिख रही है मुझे है ना फोटोसिंथेसिस कहाँ है तो ग्लूकोस बनाने के लिए जो बेटा नीचे दो पीजीएल बाहर निकाले थे ना ये बनाएंगे ग्लूकोस तुम सोचो साइकिल में से बाहर मैंने दो पीजीएएल निकाले थे दो एल्डिहाइड निकाले थे तो उनसे बनेगा बेटा अपना ग्लूकोज तो तैयारी है ग्लूकोज बनाने की तैयारी है तो बना लेते हैं मेरे पास क्या है टू कितने कार्बन कंपाउंड है थ्री कार्बन कंपाउंड है ये क्या करेंगे रिवर्स ग्लाइकोलिस जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ना वैसे क्या होता है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस क्या बना लेंगे फ्रक्टोस वन आर गोइंग टू फॉर्म फ्रक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट, देन बेटा यहां से बन जाएगा सिक्स फॉस्फेट, बेटा ग्लाइकोलोसिस में रेस्पिरेशन वाले में कराऊंगी सिक्स फॉस्फेट, देन अल्टीमेटली यहां से क्या बन जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा यस दो थ्री कार्बन कंपाउंड से सिंगल सिक्स कार्बन कंपाउंड बना सकते हैं बना सकते हैं दो थ्री कार्बन वाले लिए थे ना दो प्रीजी एल लिए थे तो उनसे आपका सिंगल सिक्स कार्बन कंपाउंड बन जाएगा ये चीज आपकी बैलेंस हो जाएगी यस yes. सो so, एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे कितना सीओ टू फिक्स करना पड़ा बच्चों कितना सीओ टू फिक्स करना पड़ा बताएं अब क्योंकि बेटा क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो रही है ये मैंने तुम्हें पूरा कैल्विन साइकिल समझा दिया है मैंने यहाँ पर तुम्हारे छे कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक साथ समझाया है एनसीआर में देखोगे तो एक को ही लिया है एक को ही लिया ये छे की कैलकुलेशन है ये एक ग्लूकोज की कैलकुलेशन यानी कि छओ टू की कैलकुलेशन है अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी कि अगर मैं CO2 कम कर दू ग्लूकोज कम कर दू तो क्या रहेगा बिल्कुल सही है मतलब मुझे एक ग्लूकोज बनाने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड साइकिल कैलवन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड क्योंकि एक साइकिल में एक सीओ टू जाता है बट हमने छे ही डाल दिए थे ठीक है हमने छे ही डाल दिए थे तो क्वेश्चन और आंसर्स के लिए रेडी हो बच्चों क्वेश्चन और आंसर्स के लिए रेडी हो यस बताइए क्वेश्चन और आंसर्स के लिए रेडी हो यस yes. तो पहला सवाल बड़ा बेसिक सवाल टू फिक्स वन सीओ टू हाउ मेनी एटीपी एंड एन ए डी पी एच आर यूज बताओ एक सी ओ टू के लिए कितना एन ए डी पी एच और कितना ए टी पी यूज होगा बताइए वन सी ओ टू बेटा छ सी ओ टू का कैलकुलेशन तो तुम पे है छ सी ओ टू का कैलकुलेशन तो तुम पे है दिखा दू थोड़ी सी मदद कर दू भैया जब से छओ टू डाले थे तो ए टीपी कितने यूज हुए बा, बारह प्लस छ अट्ठारह ए टी पी एन ए डी पी एच किसने कितने यूज हुए थे बारह एन तो मैं यार लिख देती हूँ यहां पर ब्रैकेट में कि जब मैंने सिक्स CO2 टू यूज किए थे तो मैंने बारह प्लस छ यानी कि अट्ठारह ए और बारह एन यूज कर लिए अब मैडम आप क्या पूछ रही हैं? एक CO2 टू के लिए क्या है छ के लिए तुम्हें पता है क्या है तो एक के लिए डिवाइडेड 6 छ लो एक के लिए बेटा डिवाइडेड 6 छ लो कर ले 6 CO2 के लिए ये रिजल्ट हम निकाल चुके हैं 18 ATP और 12 NADPH तो यार जब एक CO2 की बात करें ATP को 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज गोइंग टू बी 3 NADPH को 12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज गोइंग टू बी 2 है ना सिंगल CO2 के लिए सिंगल CO2 जब एंट्री मारता है तो 3 ATP और 1 NADPH यूज होता है अगर छह मार रहे थे तो 18 ATP और 12 NADPH यूज होगा यस yes. क्लैरिटी है इसकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका हां जी अगर मुझे एक आर यू बी पी रीजेनरेट करना है इफ आई वॉन्ट टू रीजेनरेट एक आर यू बी पी देखो भैया लास्ट स्टेप में आर यू बी पी रीजनरेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ये है लास्ट स्टेप यस आर यू बी पी रीजनरेट कर रहे थे कितना वन आर यू बी पी रीजनरेशन में हाउ मैनी ए आर यूज हाउ मैनी ए आर यूज यस yes, बेटा बताइए एक आर यू बी पी रिजनरेट करने में जरा बताना मेरी तो मुझे प्लस क्लास का भी नोटिफिकेशन आ गया हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं इसमें आपको भी आ गया होगा अगर आप प्लस के बच्चे हैं तो यस yes, बताइए लास्ट स्टेप सिर्फ रीजनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं बेटा एक आर यू बी पी रीजनरेट करना है भैया छ आर यू बी पी रीजनरेट कर रहे थे तो तुमने छ एटीपी यूज किए थे किए थे कि नहीं किए थे अब तुम यहाँ एक आर यू बी पी यूज कर रहे हो तो तुम कितना एटीपी यूज करोगे वन एटीपी सिंपल छः के लिए छे थे वन के लिए कितना हो जाएगा वन हो जाएगा सिंपल है ना यस यस बेटा पता चल गया हां जी अब अगला सवाल फॉर वन सीओ टू मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिडक्शन अब रिडक्शन वाले स्टेप पे फोकस करेंगे ड्यूरिंग रिडक्शन

पूरे में नहीं पूछा है सेकेंड वाले स्टेप में पूछा है वाले स्टेप में अगर तुम देखोगे, जब एंट्री मारे थे, तो यार बारह ए और बारह ही NADPH यूज किए थे है ना तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि जब मैंने सिक्स सीओ टू के लिए किया था तो बारह ए यूज किए थे और बारह ही एन बेटा अठारह एटीपी तो नहीं लिखू ना क्योंकि मैं सिर्फ इस वाले प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूं तो यार जब मैं छोटू की बात करूंगी कि तो कितना एटीपी और कितना के लिए अगर बारह बारह था तो वन के लिए कितना होगा डिवाइड कर लो यार छे से बारह डिवाइडेड बाई गोइंग टू बी टू एंड हेयर इज गोइंग टू बी टू यस समझ आया बात समझ आया तो जो हमने साइकिल किया है बेटा वो किसके लिए किया है वो हमने किया है सिक्स सीओ टू के लिए अगर वन CO2 टू के लिए पूछेंगे तो हम वही सिक्स से डिवाइड कर देंगे फिर उनको है ना सिक्स से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे यस yes. अब तुमने सिक्स सीओ टू का सीख लिया तुमने वन सीओ टू का सीख लिया अब मैं क्वेश्चन चेंज करके कर, कर देती हूं अगर तुमने थ्री सीओ टू को फिक्स किया थ्री सीओ टू ड्यूरिंग रिडक्शन अब बताओ अब बताइए बेटा आंसर कैसे चेंज होगा तो कितना ए और कितना एन ए डी पी एच यस कितना ए और कितना एन ए डी पी एच फिर से रिडक्शन ही देखना है लेकिन देखना है तीन सी टू का भाई छे का तुम्हें पता है तीन का बता दो छ का तुम्हें पता है हां जी फिर से ब्रैकेट में लिख लो भैया तुम्हारी सहूलियत के लिए सिक्स सीओ टू की जब हम बात करते हैं तो बारह ए यूज होते हैं रिडक्शन में सिर्फ और बारह ही एन यूज होते हैं तो भैया तीन के लिए कितने होंगे तीन के लिए कितने होंगे सिंपल तीन के लिए कितने होंगे बेटा हाफ हो जाएगा ना बारह तब हो रहे हैं तो यहां पर छे होंगे सिक्स सिक्स यस सिक्स सिक्स आंसर कितना आ जाएगा सिक्स सिक्स आ गया यस yes, आ गया तो इस टाइप के सवाल अगर तुमसे यहाँ पर दो CO2 टू पूछे तो भी तुम आंसर निकालोगे तो भी आर तो तो टी में वन सीओ टू लेकर देखा है वो भी ठीक है बट उसमें ज्यादा कैल्कुलेशन करनी पड़ती है थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है इसीलिए मैंने छे सीओ टू लेके ही तुम्हें एक ग्लूकोज की ही तैयारी कराई है ताकि छे से तो एक आना आसान एक से छ जाना आसान नहीं है ठीक है जी तो यहां पर अपनी बात हो गई किसकी न्यूमेरिकल्स की देन आता है कि तीन स्टेप्स हमने यहां पर किए कौन कौन से स्टेप किए मैं एक बार आपको एनसीआर से भी दिखा दूं वो भी देखना बड़ा जरूरी है यस लुक एट दिस दिस इज कैल्विन साइकिल फ्रॉम एनसीआरटी हाँ जी इधर देख लीजिए अब यहां पर इसने क्या किया है आर यू बी पी लिया एक बार बेटा एनसीआर का भी डायग्राम देखिए सीओ टू जुड़ाटा डूंग किया सीओ टू यूज करके पहला स्टेप किया कार्बोक्सीेशन ठीक है जी एक सीओ टू इस फाइव कार्बन कंपाउंड से जुड़ेगा तो यार मेरे पास थ्री पीजी जो कि थ्री कार्बन है कितने बन जाएंगे दो बन जाएंगे एक सीओ टू की यहाँ पर बात हो रही है ठीक है जी दो बन गए अब बेटा थ्री फॉस्फोग्लिसरेट थ्री पी जी ए फॉस्फोगिक एसिड पहले क्या बनाता है वन थ्री डाई पीजीए बनाते हैं डाई ए बनाते हैं वो इसने नहीं बताया कि ये एक और फॉस्फेट ग्रुप एड होता है जिसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है साथ ही में उसके बाद हम इसको रिड्यूस कर देते हैं एसिड से क्या बना लेते हैं बेटा एसिड से अल्टीमेटली बना लेते हैं पी जी ए एल क्या बना लेते हैं पीजीएल फोस्फोग एल डी हाइड यही ट्रायस फॉसफेट जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं एनएडीपीएच यूज करते हैं जो कि रिड्यूस करता है तो एनसीआरटी ने ये नहीं बताया कि थ्री uh, पीजीए से हम पहले बिस्फॉस्फेट बना रहे हैं उसका एक और फॉस्फेट ग्रुप एड कर रहे हैं प्लस उसके बाद हम उसको एसिड को एल डी हाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसने डायरेक्ट बता दिया और इस स्टेप का नाम रख दिया रिडक्शन वो भी कर सकते हो बट न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए आपको इसको ब्रेकअप करना जरूरी है ठीक है देन पीजीएल से बारह पीजीएल थे अपने पास जिसमें से मैंने दो निकाल लिए और दस आगे भेज दिए अगर मैं वो लेके चलती तो कुछ निकाल लिए बाकी आगे भेज दिए जो आगे भेजा उसने बेटा अल्टीमेटली क्या रिजनरेट किया रिबुलोज वन फाइव

क्या चीज समझ आई सबको क्या ये चीज समझ आई हां जी तो ये है आपका कैलविन साइकिल अब आता है कि यार इन तीनों में से कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और रीजनरेशन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है आपको क्या लगता है यार सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यस विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सोच के बताइए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है यस yes. क्या कार्बोक्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गोइंग टू बी यस बता दो फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलेशन यस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं पर सीओ टू की क्या हो रही है बेसिकली फिक्सेशन

अगर तुम चाहते हो कि साइकिल ना रुके तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा रहेगा रीजनरेशन रहेगा यस yes, बेटा वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कार्बोक्सिलेशन बट इफ यू वॉन्ट इट टू बी इन द अन इंटरप्टेड वे देन इट इज गोइंग टू बी रीजनरेशन जी, हो गया क्लियर यस yes. तो एक बार यहाँ से पढ़ लू फटाफट से तीन स्टेप आपको भी क्लियर हो जाए तो प्राइमरी एक्सेप्टर बेटा अगर तुम्हें कोई पूछ ले तो कौन है आर यू बी पी इज द प्राइमरी एक्सेप्टर अब यहां पर एक चीज को ध्यान देना आर यू बीपी कितने मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है फाइव कार्बन लेकिन पहले सोचा जाता था कि सीथरी साइकिल में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो दो कार्बन का होता होगा कितने का होता होगा दो कार्बन की दो और वो एक मिलके सीओ टू थ्री कार्बन बना लेते होंगे जबकि ऐसा नहीं है थ्री कार्बन वाले दो बनते हैं तो यार ये टू कार्बन नहीं है जबकि बेटा ये कितना कार्बन है फाइव कार्बन वाला कंपाउंड प्राइमरी एक्सेप्टर है ऐसा नहीं सोचना कि एक CO2 प्लस थ्री कार्बन वाला टू कार्बन वाला आरयूबीपी थ्री कार्बन वाला पीजीए बना रहे हैं नहीं बेटा दो पीजीए बनते हैं एक CO2 से मतलब पीजीए के पास तीन कार्बन है और आरयूबीपी के पास पांच कार्बन है ठीक है जी यस अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये किसमें प्रस्तुत होता है ये प्रस्तुत होता है ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में नो no मैटर कि वो सीथरी साइकिल कर रहा है सी फोर कर रहा है कुछ और कर रहा है ब्रायोफाइट है जिम्नो है एनजीओ है सब में सी थ्री होना ही होना है सीथरी कहां पर होना है स्ट्रोमा में होना है ठीक है कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन ऑफ सीओ टू इंटू फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट दैट इज पी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये लिखा हुआ बेटा दिस इज द मोस्ट क्रूशियल वन ये देखिए लाइन लिखी हुई है मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैलविन साइकिल ठीक है रिएक्शन इज कैटाइज बाय रुबिस्को रुबिस्को का सीओ वाला पार्ट कैटालाइज कर रहा है और थ्री पीजीए बना दे रहा है रुबिस्को के पास ऑक्सीजनेशन का भी ऑप्शन है बट वो फोटो रेस्पिरेशन में करता है नेक्स्ट आ जाइए रिडक्शन दिस इज सीरीज एनसीआर ने सीरीज नहीं बताई बट हमने सीरीज भी कर ली है दिस इज अज

तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप रीजनरेशन हो जाएगा और अगर जनरल पूछेंगे तो कार्बोक्सिलेशन द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्स 1 एटीपी टू फॉर्म आरयूबीपी यानी कि एक CO2 के लिए फॉर 1 CO2 रीजनरेट करोगे तो 1 एटीपी चाहिए हमने 6 CO2 रीजनरेट किए तो कितने चाहिए थे 6 एटीपी चाहिए थे सिंपल यस 6 एटीपी बेटा यहां पर चाहिए थे तो ये conclusion है, ये है है बेटा का that for every CO2 molecule, one CO2 की बात टोटल अपने को कितने मॉलिक्यूल थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपी ए डी पी आर रिक्वायर्ड सही है एक सीओ टू के लिए थ्री एटीपी चाहिए और

बारह एनएडीपी से बारह बेटा एन से बारह एनडीपी बनाए ये वाला बेटा हमने परफॉर्म किया है ये वाला हमने परफॉर्म किया है अपने नोट्स में यकल yes, डन बता दो बेटा जी सीथरी <coughs> साइकिल बच्चों डन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे एक सीओ टू से छू से सिर्फ रीजनरेशन से सिर्फ रिडक्शन से पूरे पूरे साइकिल से वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए बस इसमें बस वो फिगर ही चेंज करेंगे दो सीओ टू करके पूछ लेंगे तीन सीओ टू करके पूछ लेंगे बट हां यहां से सवाल आ सकता है यहां से सवाल आ सकता है तो बेटा हो सकता है अगर आप ये पहली बारी सुन रहे हैं आपको ये चीज अभी सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट पल्ले पड़ी है बीच बीच में कहीं आप यू नो लैग कर जाते हैं तो उस केस में क्या करना है इसी चीज को दोबारा सुनना है इसी चीज को बनाकर देखना है जब तक आप अपने हाथ से ईटीएस जैसी चीजें ये कैल्विन साइकिल जैसी चीजें नहीं बनाएंगे तब तक ये हंड्रेड परसेंट समझ नहीं आएंगी ये याद रख लेना ये समझ नहीं आएंगी आधा अधूरा रह जाएगा रट्टे मारते फिरोगे रट्टा नहीं मारना कि कितना CO2, कितना ATP, कितना NDPH, कितना ग्लूकोज आपको ये चीज समझ आनी चाहिए एक बार अगर आपने अच्छे से लेक्चर सुन लिया ना आपको ये चीज हंड्रेड क्लियर रहेगी और कभी भूलोगे भी नहीं बट वन प्रैक्टिस वन एनसीआरटी रीडिंग इज मस्ट 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 ठीक है ये चाहिए ही आपको चाहिए ओके okay, जी ये yes. कल नहीं है बेटा अमृता कल तो मैं जा रही हूँ ना मैं तत्काल में टिकट कराऊंगी आपने बोला कि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं आप छुट्टी मनाना चाहते हैं तो ठीक है मैं भी दिवाली मना लू यार मैंने क्यों मना कर दिया कि आई शुड नॉट गो अब तो आई शुड गो आई विल गो ठीक है अब नहीं होगी बेटा क्लास एनी वे जो बच्चे मेरे से प्लस पे पढ़ना चाहते हैं प्लस की होगी डेफिनेटली बेटा प्लस की क्लासेस होंगी वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ मेरी रिस्पॉसिबिलिटी है बच्चों ने मैम पे ट्रस्ट किया बच्चों ने अनक अकेडमी पे ट्रस्ट किया तो वो तो होगी होगी प्लस पे बेटा अभी आपके पास थर्टी का डिस्काउंट है फर्स्ट वन लर्नर्स के पास ठीक है फर्स्ट 150 फिफ्टी लर्नर ये डिस्काउंट सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन पे वैलिड है नाइन मंथ्स एंड अब पे ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है मैं हट जाती हूँ आप देख लीजिए कोड यस डी एल डी क्यू एम एट वन सिक्स ठीक है इसका लिंक मैंने डेडिकेटेड लिंक मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए दोबारा कर दूंगी ताकि बेटा आप उस फर्स्ट फर्स्ट लर्नर्स में थर्टी परसेंट ऑफ अवेल कर पाए ठीक है थर्टी परसेंट ऑफ अवेल कर पाए यस yes? ठीक है जी चलिए तो कॉमेंट्स में बेटा आप चाहती थे यार प्लांट फिजियो नहीं, नहीं हो आपको लगता था कि यार छह दिन में हो जानी चाहिए थी तो छह दिन तो बेटा हो गए ठीक है वन शॉट में नहीं कराऊंगी अगर आपको देखना है अभी वन शॉट तो बेटा जाइए लिंक ट्री से देख लीजिए क्योंकि बेटा मैं चाहते हुए भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती हूँ चाहे तुम कितना चाह लो मुझे पता है तुम्हारे लिए नुकसानदायक है लेकिन फिर भी मैं नहीं करूँगी बिकॉज आई एम वेरी ट्रू टू माई प्रिंसिपल्स और इसी ट्रूथ के लिए मैं यहाँ पर दिवाली वाले दिन धनतेरस वाले दिन भी खड़ी हूं कल भी आना था परसों भी आना था दिवाली वाले दिन भी आना था और हमने भाई दूज पे इसको खत्म कर देना था NCRD रीडिंग करके जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है बाकी तो छोटी है तीनों है ना बट कोई बात नहीं आपकी अलग रजा है आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं चलिए कोई बात नहीं सो so, मेरी साइड से बेटा हैप्पी uh, दिवाली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अच्छे से एंजॉय कीजिए मजे कीजिए अब नहीं बोलूंगी कि पढ़ो भैया तुम मज़े करना चाहते हो तो तुम मज़े करो बाकी जो जब पढ़ने का मन करे बेटा तब आके पढ़ भी लेना ओके okay, चलो बाय गाइज